दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से एक रायबरेली जनपद पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। सई नदी के किनारे बसे रायबरेली शहर में जनपद का मुख्यालय स्थित है और रायबरेली जनपद लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रायबरेली जनपद से अच्छी तरह रूबरू कराने वाले हैं। कहा जाता है कि रायबरेली पौराणिक रामायण काल में कोसल साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए यहाँ भगवान राम ने भी शासन किया था। वैसे तो रायबरेली का इतिहास भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से पहले स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि रायबरेली का प्राचीन काल इतिहास और भी समृद्धशाली रहा होगा। रायबरेली की स्थापना भर राजवंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी, इसलिए इसे भरौली कहा गया, जो बाद में परिवर्तित होकर बरेली हो गया और आगे चलकर रायबरेली के नाम से जाना गया। रायबरेली गजेटियर में लिखे ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में भर राजा एक बार फिर से संगठित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। राजा डलदेव और राजा बलदेव सगे भाई थे। बैसवारा के बैस राजपूतों की सहायता से इन्होंने गंगा के किनारे एक किले का निर्माण कराया और अपने साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया। 15वीं सदी आते आते भर राजा डलदेव ने मुसलमानों के सरकी वंश के जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध बैस राजपूतों से मिलकर राजा डलदेव ने सरकी शासकों से मुकाबला किया और सरकी सेनाओं को रायबरेली की सीमा से दूर खदेड़ दिया। एक दिन जंगल से होकर इब्राहिम शाह सरकी के एक मुलाजिम सैयद बाबा हाजी की जवान बेटी सलमा पालकी में बैठकर सैनिकों की सुरक्षा में कहीं जा रही थी। संजोग से उसी दिन राजा डलदेव भी जंगल में शिकार खेलने गए थे। राजा डलदेव की नज़र जब इस काफिले पर पड़ी तब उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया, सारे सैनिकों को मार डाला। राजा डलदेव के हुक्म से सलमा को रायबरेली के किले में लाया गया। राजा डलदेव के पास हिंदू औरतों के ऊपर सरकी शासकों के अत्याचारों का बदला लेने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने सलमा को सम्मान से अपने पास रखा। ये खबर जब जौनपुर सरकी शासकों तक पहुंची, तब इब्राहिम शाह सरकी ने रायबरेली साम्राज्य को तहस नहस करने का प्रण किया, लेकिन सरकी सुल्तान भरों के वीरता और सैन्य बलों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इब्राहिम शाह सरकी एक मौका तलाशने लगे। भर राजा डलदेव भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए होली के दिन भांग व मदिरा का प्रचुर मात्रा में सेवन करते थे और होली के दिन हथियार नहीं उठाते थे। इनके इसी मान्यता का फायदा उठाकर इब्राहिम शाह सरकी ने राजा डलदेव पर धावा बोल दिया। इस नीति विरुद्ध हमले में राजा डलदेव मारे गए। आज भी यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी इसी कारण होली नहीं मनाते। मुगलों के शासनकाल में अकबर के समय रायबरेली जिले की तमाम रियासतें मुगलों के अधीन हो गई थी। आगे चलकर रायबरेली पर जब अंग्रेजों की हुकूमत हुई तो अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय राजाओं को पराजित करके उन्हें मारना शुरू किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह का व्यापक प्रभाव रायबरेली पर भी पड़ा। राणा बेनी माधो सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह में स्थानीय अंग्रेजी प्रशासन बुरी तरह से अपंग बन गया, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी एक सेना को रायबरेली भेजा और अपनी प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए 1858 में रायबरेली को जनपद का दर्जा दे दिया। रायबरेली जिले में मौजूद तमाम बगावत करने वाली रियासतों के राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों की क्रूरता की भेंट बहुत सारे स्थानीय लोग भी चढ़ गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने रायबरेली को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया। 4609 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले रायबरेली जनपद की कुल आबादी 2011 की जनगणना में 34 लाख से ज़्यादा सर्वे की गई थी और जनपद में धार्मिक दृष्टिकोण से 87% हिंदू, 12% मुस्लिम व बाकी 1% में अन्य जातियाँ थीं। औसतन यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं हैं, अर्थात जिले का लिंगानुपात 927 है। 90% लोग गांव में रहते हैं और 10% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। 2011 के सर्वे में जनपद की साक्षरता दर 79% सामने आई थी। रायबरेली सई नामक नदी के तट पर बसा है और गंगा नदी का विस्तार फतेहपुर जिले को रायबरेली की सीमा से अलग करता है।
रायबरेली जनपद में अन्य भी कई छोटी एवं सहायक नदियां मौजूद हैं, जैसे नैया, बसहा, सोह व लोनी नदी। इनमें से कई नदियां वर्तमान समय में शहरी कचरे अतिक्रमण और शहरी नालों के रासायनिक और गंदे पानी के बोझ से कराह रही हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फिलहाल रायबरेली जिले में 6 तहसीलें हैं, रायबरेली, डलमऊ, ऊंचाहार, लालगंज, महाराजगंज व सलोन। आपकी कौन सी तहसील है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास एवं देख रेख के लिए इन 6 तहसीलों के अंतर्गत 18 विकास खंडों का निर्माण किया गया है। रायबरेली जिले में कुल 4 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं, रायबरेली, दरियापुर, डलमऊ तथा ऊंचाहार। वहीं जिले में 1 लोकसभा सीट रायबरेली तथा 6 विधानसभा सीटें बछरावां, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार तथा सलोन हैं। रायबरेली जनपद में मुख्य रूप से हिंदी अवधि भाषा बोली जाती है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पारंपरिक त्यौहार एवं रीति रिवाजों को आज भी बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। रायबरेली जिले की खान पान की बात करें तो यहाँ के बाजारों में मौजूद तमाम दुकानों की मिठाइयाँ, नाश्ता व अन्य खाने पीने की चीज़ों में गजब के स्वाद का एहसास होता है। रायबरेली में सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स व अन्य तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठान व होटल मौजूद हैं। किसान शहीद स्मारक मुंशीगंज। कांग्रेस का राजनीतिक गढ़ रायबरेली कैसे बना, ये जवाब आपको किसान शहीद स्मारक के इतिहास को जानने के बाद पता चल जाएगा। सई नदी के किनारे मुंशीगंज नामक स्थान पर बना ये स्मारक ही वो कारण है जिसने कांग्रेस को रायबरेली से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह समाचार प्राप्त हुआ कि मुंशीगंज में सई नदी के किनारे सैकड़ों किसान जो अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, उन्हें अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला है, तो इलाहाबाद से सीधे वह रायबरेली आ पहुंचे। अंग्रेजों ने हालात पर काबू पाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहते हुए भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहासकार इस घटना की निंदा करते हुए इसे दूसरा जलियांवाला बाग की संज्ञा देते हैं। माना जाता है कि इस गोलीकांड में 700 से ज़्यादा किसान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से सई नदी लाल हो गई थी। समस्तपुर पश्चिम बिहार। सलोन से 8 किलोमीटर दूर ऊंचाहार जाने वाले मार्ग पर स्थित है 799 हेक्टेयर में फैला हुआ समस्तपुर पश्चिम बिहार, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। नवंबर से मार्च के महीने के बीच यहां देश विदेश के सैकड़ों प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। यहाँ के झीलों में कई प्रजाति की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। पर्यटक यहाँ के खूबसूरत और शांत वातावरण के साथ साथ प्रवासी पक्षियों का दीदार करने आते हैं। महेश विलास पैलेस। बछरावां से 18 किलोमीटर दूर हैदरगढ़ रोड पर शिवगढ़ में मौजूद है महेश विलास पैलेस। इसका निर्माण पश्चिम बंगाल के राजपूत राजा बरखंडी महेश प्रताप सिंह के पूर्वजों ने 1942 में राजस्थान के पीकापुर नामक जगह पर स्थित लालगढ़ किले की डिजाइन के आधार पर राजस्थान शैली में कराया था। वर्तमान उत्तराधिकारी राकेश प्रताप सिंह जी के संरक्षण में यहाँ एक संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। कई टीवी सीरियल, कई बॉलीवुड व भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, जिसमें सबसे चर्चित फिल्में हैं रेड बुलेट राजा, मैडम चीफ मिनिस्टर, जाली एलएलबी, गुड्डू रंगीला, रेवती राम का तालाब। 19वीं शताब्दी के मध्य में बना रेवती राम का तालाब अहिया रायपुर नामक गाँव में स्थित है। बालेश्वर मंदिर। लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार गांव में स्थित है भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर। ऊंचाहार पावर प्लांट। 1988 में स्थापित 1550 मेगावाट विद्युत उत्पादक क्षमता वाला फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में स्थित है। यहां कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। रायबरेली जिले के अन्य पर्यटन स्थलों में बेहटा पुल, पक्का घाट, डलमऊ का खंडहर, इंदिरा गार्डन रायबरेली आज स्थान है। रायबरेली जनपद के कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने रायबरेली को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है, उनके नामों के उल्लेख के बिना वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए आइए ऐसे महान लोगों के नामों की एक सूची बनाकर वीडियो को समाप्त करते हैं। राणा बेनी माधव सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महर्षि गर्ग, डालभ्य ऋषि, पंडित सुखदेव मिश्रा, आचार्य मृत्युंजय, अली मियाँ, मुल्ला दाऊद। इन सबके अलावा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी,
मीनाक्षी दीक्षित अभिनेत्री, आरपी सिंह क्रिकेटर, लीला मिश्रा शोले फिल्म की दादी, सुधा सिंह धावक, स्वप्निल सिंह क्रिकेटर, मुनव्वर राणा शायर कवि, बाहुबली विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अब्दुल रशीद खान आदि महान लोगों ने रायबरेली जिले में जन्म लेकर जिले का गौरव बढ़ाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।